Cordova. मैं एक काम इसका भी यूटिलाइजेशन करना मैं भी बना रहा हूँ अच्छा पढ़ना इंशाल्लाह आईएएस बन जा रहे और मैं अपनी जिंदगी में देख लू बस यही नहीं था मेरे स्कूल से पुलिस वालों ने मासूम बच्चों को भी उठाया था मुझे आज भी याद है सलीम के सामने आते उनके किताबों को खोल कर देखे जनवासी क्या कर रहा है वो जालिमों ने जो मुझ पे जुल्म किया मेरे मासूम बच्चों पे जुल्म किया अल्लाह उन जालिमों को वो दिन भी दिखाएगा कि मेरा बच्चा मेरे स्कूल का बच्चा यकीन बनेगा और वो जालिम मजबूर हो जाएंगे हमारे स्कूल के बच्चों को सलूट मारने के लिए समझती है कि पुराने शहर में दारत है नहीं पुराने शहर में सलाहियत है काबिलियत है जोश है जुनून है जज्बा है सिर्फ मौका नहीं था अब वो मौका अकबर वैसी दे रहा है सारा गलत अब वो दिन दूर नहीं जिनको लोग समझते थे कि यह आखिर में ठहरने वाले थे अब वो दिन करीब है हम आखिर में नहीं रहेंगे अब दुनिया की इमारत हमारे हाथ आएगी और दुनिया हमारे पीछे आ जाएगी और ये कैसे मुमकिन है सिर्फ और सिर्फ इल्म 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 अल्लाह की रजा माँ बाप की रजा उस्ताद का एहतराम से ही मुमकिन है कि दुनिया की इमामत हमारे आज मैं आपसे अगर मेहनत करने के बाद दुआ मांगने के बाद अगर दुआ कबूल नहीं हो वो साथ अगर मुझे तो केवल सदे नहीं कि आप अल्लाह से तौबा करते हैं और आपके हाथ से आंसू जब गिरते हैं उस बंदे के गुनाहों को ऐसा माफ कर देता है जैसा कि वो अभी माँ के पेट से दुनिया में चल रहा रहमान और रहीम है अल्लाह रहमान और रहीम है बेशक मैं ही बोलेगा हम सबसे कुछ ना कुछ गुनाह हुए कुछ ना कुछ गलतियां हुई सजदे में गिर जाओ अल्लाह से माफी मांग लो अल्लाह माफ जब बंदा अल्लाह के अजाब से डरता है अपने गुनाहों से तौबा करता है और कांपता है तो जैसा एक दरख्त में सूखे पत्ते जैसा बन जाते हैं ना वैसे उसके गुनाह हो जाते ये अल्लाह रहमान और रहीम इंसान को जन्नत या दोजख में कैसा ले जाएंगे उसके अमाल को बदी का पड़ना भारी तो दोजख
नेकी का पल्ला भारी तो जन्नत, बदी का पल्ला भारी जो सब में ले जाते रहेंगे तो बड़ी सी आवाज देंगे क्या है ना इस बंदे ने उस वक्त ये दुआ मांगी थी जिसको तूने कबूल नहीं किया। सुनिए तवज्जो से, अल्लाह से फरिश्ते बोले ये कह अल्लाह ये बंदे को दौलत में भेज रहा है, इस बंदे ने उस वक्त एक दुआ मांगी थी जिसको तूने कबूल नहीं की, तो अल्लाह पर जो दुआ मांगी गई और कबूल नहीं होगी उसका इतना अजर इतना अजर इतना अजर देगा कि बंदा चीखेगा और पुकारेगा और क्या कहेगा मालूम, क्या कहेगा मालूम आपको, कहेगा कि हाय अल्लाह तू मेरी दुनिया में मांगी गई किसी भी दुआ को कबूल न की होती, काश कि वो मेरी दुनिया में मांगी गई किसी भी दुआ को कबूल न की होती, इतना अजर अल्लाह देगा इतना अगर अल्लाह देगा दुआ के कबूल नहीं हो तो दुआ मांगना रोकना नहीं, अल्लाह में शुक्र अल्लाह ने स्थान दे रखा है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं बेशक तकलीफ में रहता हूं, खाना नहीं खाता हूं दो तीन तीन दिन, सिर्फ पानी जूस में रहता हूं तीन तीन दिन, कितनी देर तकलीफ करा अब चार दिन से पेट खुल जा करवट नहीं ले सकता, बिस्तर पर नहीं गया तो सीधे नहीं उठ सकता, पलट के उठना पड़ता है सहारे से, लेकिन फिर भी मैं मायूस नहीं होता, कभी कमजोर नहीं पड़ता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह कहता हूं और आज रहता हूं आपके दरमियान में और अभियान इन मासूमों पर खावे हैं, मेरे सर पर इन मासूमों का जुनून है, मेरे सर पर इन मासूमों की हिम्मत है, ये सर कभी नहीं झुक सकता, इसलिए अगर ये सर झुकेगा तो ये मासूमों के झुकने से बराबर है, हम तो रोए से आपको झुकने नहीं देगा। मेरा करो और पाबंदी से मैं खुदा के लिए तमाम बच्चियों से बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूं, आप डॉक्टर बनेंगे तो मेरा क्या फायदा, आप आदमी बनेंगे तो मुझे क्या, मुझे कुछ न दो बस आप आदमी बनोगे मेरी इंतजार पाबंदी से फ्री में।